दर्शकों को मेरा नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज फिर हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में लेके आए हैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ दोस्तों कार्यक्रम का विषय आपको बता देते हैं कृषि में होने वाले सामयिक कार्य आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर मूँग की फसल को लेकर और इस बीच हमारे बीच में जो डॉक्टर विशेषज्ञ मैम हैं हम आपसे उनका परिचय करवा देते हैं डॉक्टर सूची गंगवार जी हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं एसोसिएट प्रोफेसर आर के डी एफ यूनिवर्सिटी भोपाल से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में साथ ही हमारे बीच में एक सफल किसान भी हैं जिनका नाम है गुलाब सिंह मेवाड़ा जी गुलाब सिंह मेवाड़ा जी एक सफल किसान हैं और एक लंबे अरसे से कृषि से जुड़े हुए हैं मेवाड़ा जी आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जो विषय बताया है सामयिक कार्य है तो विशेष तौर पर यदि हम मूँग की खेती की ही बात करें तो इस समय कौन-कौन से किए जा रहे हैं? जैसा कि कि किसान भाइयों अभी हम पता है ग्रीष्म ऋतु का मौसम चल रहा है मूंग की खेती का समय है मूंग की खेती आप लोगों ने मार्च से 10 जून से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों ने मूंग की कर दी होगी मतलब हमारी फसल जो है लगभग एक महीने की अभी हो चुकी है तो इसके बाद हमें उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है सिंचाई का खरपतवार प्रबंधन का कीट प्रबंधन का रोग प्रबंधन का ये चार मेन जो फैक्टर होते हैं किसी भी आ, आ, उत्पादन के लिए किसी भी क्रॉप के उत्पादन के लिए तो सिंचाई का अगर हम बात करें तो अगर आप फूल आ गए हो तो फूल बनने की स्थिति में एक सिंचाई कर दें अगर आपके पास दूसरा पानी स्थिति में उपलब्ध है तो आप दूसरा पानी जो है फली बनने के पहले आप इसको डाल सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि पानी की कमी से उत्पादन में कमी नहीं आएगी खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा कारण है खरपतवार प्रबंधन भी हमें करना चाहिए या तो हमारे पास हम निदाई इस करके उसको खरपतवार प्रबंधन करें या शाकनाशी जैसे पेंडिंग मिथिलिन है उसको सोइंग से पहले ही उसको छिड़क कर जो है खरपतवार प्रबंधन को हम कर सकते हैं कीट जो है बहुत ज़्यादा भागीदारी करते हैं मूंग की फसल को ख़राब करने में इसमें सफ़ेद मक्खी माहो एफिड और फली वेदक जैसे जो कीट जो है इसमें लगते हैं तो सफ़ेद मक्खी जो है सबसे बड़ा बाहक होता है वो जो इसमें जो रोग होता है पीला मोजिक रोग होता है उसको फैलाने वाला भी ये बाहक होता है जनरली जो ये जो कीट होता है पत्तियों की निचली सतह से रस चूसने का काम करता है जिससे कि पत्ता आपका जो पौधा है पूला पूरा पीड़ा पीला पड़ जाएगा इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि इसको हमको निकाल कर उखाड़ कर इसको नष्ट करना है या हमें केमिकल और जैविक दो विधियाँ होती हैं हम किसी भी मेथड से इसको कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल विधि की अगर हम बात करें तो आप इसमें जो है इमिडाक्लोरपीड केमिकल होता है जो 150 सौ जो है छः लीटर पानी में डालकर हम इसको स्प्रे कर सकते हैं और जैविक विधि की बात करें तो हम नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नीम तेल को हम ढाई जो इसका ढाई लीटर होता है वो छः लीटर पानी में डालकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा हम लाइट प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीले जो चिपचिपे ट्रैप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद कई बहुत सारी जैविक जो विधियाँ होती हैं जैसे आजकल जो किसान भाई अपने घर पे ही इसको तैयार करते हैं क्योंकि उनके पास जो है सारा मिश्रण अवेलेबल रहता है और घर में जो हमें उत्पादन होता उसी से ही बनाई जाती है जी ये कुछ ब, जो घरेलू जो विधियाँ हैं है ना जैसा कि कृषक भाइयों मैम ने बताया कि सबसे पहले तो कीट प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और कीट प्रबंधन कर लेना हमें अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए बाजार में मेडिसिन से बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है आप उनका इस्तेमाल करिए आइए मेवाड़ जी से जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं और विशेष तौर पर कीट प्रबंधन की ही यदि हम बात करें तो आप किस प्रकार से इनका प्रबंधन करते हैं जी सर मूंग की बात है अभी मैम बता रही थी ठीक है सर जैसे मूंग की खेती किसान बहुत करने लग गए उसका कारण एक है सर कि जैसे मूंग को बोने के बाद में जैसा मूंग का मतलब जनरेशन हुआ और उसी दिन से अगर मूंग की देख रेख किसान रोज खेत पे जाता ही है तो उसके हिसाब से किसान को जैविक विधि से करना है या कीट हशक से करना है तो उसी को अंकुरण के शुरू दिन से अगर उसको किसान उसका इस्तेमाल करने लग जाएगा तो मूंग की खेती किसान को फायदा का सौदा है घाटा भी नहीं देती लेकिन व प्लस मूंग में क्या है अब सर पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है अगर किसान के पास पानी कम है तो मिनी स्प्रिंग मिनी स्प्रिंगलर से भी वो स्प्रे करके मूंग को मूंग की खेती अच्छी कर पाता है सबसे एक अच्छा फ़ायदा है मूंग में सर अगर वो मिनी स्प्रिंगलर से करता है तो जो सफ़ेद माऊ और जो सफ़ेद मच्छर है उनका आक्रमण बहुत अच्छा हो जाता है और मूँग में सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर पीला में रोग अगर आ गया तो मूंग नष्ट हो जाता अभी मैम बता रही थी हर पौधे को उखाड़ कर या तो गड्ढे में डाल दो या उसको करीबन 20 से 50 फीट के दूर किसी गड्ढे में डाल के उसको दबाना पड़ता क्योंकि तो पीला वो उसका वायरस बहुत ज़ोर से फैलता है और उसके बाद में मूंग की खेती की बहुत मतलब कम उम्र की खेती है गर्मी और बारिश के बीच की जो खेती है तो वो किसान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा का सौदा है तो किसान को मूंग की खेती के लिए सबसे विशेष ये कि उसकी आ, हर दिन देखभाल करना चाहिए प्रतिदिन किसान खेत पे जाते हैं तो उसको क्या डालना है आज कीटनाशक डालना है या जैविक विधि से करना जी मतलब आपका कहना यह है, है कि यदि हमारे कृषक भाई डेली जो खेत पे जाते हैं भ्रमण करते, है, करते हैं निरीक्षण करते हैं तो उनको डेली ये चीज बड़े ध्यान रखना चाहिए कि क्या कीट पतंगों का हमला हमला तो रहा है नहीं हो गया है मैम जितनी जल्दी कृषक भाई को पता चल जाएगा कि हमला हो गया है उतनी ही जल्दी इसका उपचार संभव उपचार संभव है।, है।, है जी मतलब यह है कि एक बड़ी मात्रा में फसल नष्ट होने से बची, जाएगी। बची रह जाएगी मैम ग्रीष्मकालीन में जो मूंग की जो फसलें आती हैं ये फसलों के लगाने का जो समय होता है ये समय कब होता है जनरली इसको ग्रीष्मकालीन फसलों को हम जैसे रवि की फसल कट जाती है रवि की फसल के बाद हम 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल एक महीने का हमारे पास टाइम रहता है ताकि हम उसमें फसल को टाइम से लगा सके क्योंकि फिर इधर हमें खरीफ सीजन की भी तैयारी करनी रहती है और ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसका ड्यूरेशन जो है अवधि छोटी होती है वो साठ से सत्तर दिनों की होती है तो इधर अगर हमने टाइम से लगा दिया तो इधर हमारी खरीफ की ऋतु के लिए हमें तैयारी करने के लिए काफी टाइम मिल जाता मतलब है मतलब यह कि समय पे यदि फसल लगा ली जाए तो बिल्कुल आपको जो अगली फसल जो आने वाली है उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा गुलाब जी से भी जान लेते हैं गुलाब जी आप क्या कहेंगे इस बारे में सर हाँ मेरा भी सर ये कहना है अगर किसान समय से मूंग है या बेलदार सब्जी अगर वो वो बोता है तो उसको फायदा भी मिलेगा और जो आने वाली फसल के लिए अगर सब जैसे सोयाबीन मक्का धान बोना है तो किसान को 20 दिन का गेप खेती को मिलना चाहिए ताकि 20 दिन में वो खेती धूप भी खा लेगी और किसान जो भी उसमें अगर गहरी जुताई भी करना चाहता है तो उस गेप में गहरी जुताई भी कर सकता है उसके बाद में बखर भी कर सकता है और सर जैसे खाद भी डाल सकता है तो किसान को वो बीस दिन का गेप अगर मिलता है तो जो अगली फसल की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है अगर वो गेप नहीं मिलेगा तो अगली फसल करीब बीस में उसको कमी आ जाएगी नहीं गुलाब जी आपने अभी कुछ बेलदार फ़सलों के बारे में भी बताया है तो ये कौन सी फसलें हैं जो इस समय लगाई जाती हैं मतलब जिसमें काफ़ी हमारे कृषक भाई को मुनाफा होता है कद्दू वर्गी है जैसे खीरा है ककड़ी है लौकी है गिलकी है ये अगर किसान सर इस गैप में अगर लगाएगा तो ये साठ दिन में फसल कम्प्लीट होकर चल भी जाती है और प्लस साठ दिन चलती है एक सौ बीस दिन में इसका काम भी हो जाता है और किसान के लिए बहुत फायदा का सौदा है क्योंकि ये बेलदार सब्जी की उम्र भी कम है और इसमें कीटनाशक फर्टिलाइजर बिल्कुल मत डालो आप ये बहुत जीरो बजट पे फसल होने वाली है बेलदार सब्जी क्योंकि इसमें खाद भी नहीं जाता है और पानी भी बहुत कम चाहता है तो किसान को इस गैप के अंदर अगर बेलदार कद्दू वर्गीय फसल बोएगा किसान तो उसको कहीं से बहुत बड़ा फायदा है और मतलब कम समय में पैदा होने तो वाली समय में, में जल्दी तैयार हो जाता तो है, है। मैम से भी जान लेते हैं मैम जैसे कि बेलदार फसलों के बारे में गुलाब जी बता देते हैं यदि जैविक छिड़काव वगैरह किया जाए तो इसमें मतलब कुछ स्वास्थ्य वगैरह के ऊपर कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के अलावा ये मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि क्या होता है कि हम आजकल अंधा धुंध जो है केमिकल का के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें नहीं पता कि हमारी मिट्टी कितनी ख़राब है तो हम जितना अब जैविक जैविक का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है तो जैविक खेती का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम उतना ज़्यादा मिट्टी के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी के लिए भी अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल अच्छा है जैसा कि मैम ने बताया तो बिल्कुल जैविक विधियाँ और जैविक उपचार हमें ज़्यादा से ज्यादा करना चाहिए गुलाब जी ने मैम अभी बीच में अपनी चर्चा के दौरान गहरी जुताई के बारे में बोला था तो गहरी जुताई के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये गहरी जुताई क्या है और कब-कब हमें को ये करनी चाहिए गहरी जुताई किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उन किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि बिल्कुल बरशा के आधा, के ऊपर जो है खेती करते हैं क्या होता है कि जब हम गहरी जुताई कर लेते हैं तो गहरी जुताई से क्या होता है कि नीचे जितने भी हमारे हानिकारक खरपतवार होते हैं कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे दूब हुआ मोथा हुआ कांस हुआ इसके जड़े जो है बहुत ही गहराई तक जाती है हम जो भी शाकनाशी ऊपर डालते हैं वो सिर्फ उसका ऊपर का वानस्पतिक भाग को जलाता है पर उसकी जड़ें तो अंदर ही रह जाती है तो गहरी जुताई से क्या होगा कि एक तो खरपतवार जो है नीचे से उसके बीज उसका जो भी वानस्पतिक भाग होगा वो ऊपर आ जाएगा और धूप की रोशनी में जो है वो नष्ट हो जाएगा इसके अतिरिक्त तो जब हम गहरी जुताई करते हैं तो उस समय चारों तरफ जो फसलें नहीं होती हैं तो बहुत सारे कीट हुए कीट के अंडे हुए या बहुत सारे रोगजनक होते हैं जो गहराई में छिप जाते हैं जाकर और जैसे ही हम गहरी जुताई करेंगे तो ये जो जितने भी कीट और अंडे हैं वो ऊपर आ जाएंगे ये धूप की जो रोशनी में नष्ट हो जाएंगे या इनको पक्षी खाकर इसको नष्ट कर देंगे तीसरा इसका मेन कारण ये है कि गहरी जोताई का कि इसमें वायु का आवागमन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है वायु का संचरण बहुत अच्छा होगा आपका और सूर्य की रोशनी जो है अंदर जाएंगी जिसमें जितने भी आपके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कहीं ना कहीं सीधे रूप से हमारे पौधों को वृद्धि करते हैं उनकी क्रियाशीलता जो है सीधे सीधे बढ़ जाएगी आपकी और चौथा जो है इसका मेन रीज़न ये है कि ये जल दक्षता इसकी दल जल संरक्षण दक्षता इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी इसमें क्योंकि जो पानी बरसात ऋतु में आएगा उसमें पूरा पानी जो जमीन जो पूरा सौख लेगी तो अगर खरीफ ऋतु में आगे पानी की अगर कमी भी होती है तो किसान भाइयों को उसका नुकसान नहीं होगा और नमी इसमें संरक्षित रहेगी तो उसको प्रोडक्शन जो है उसको अच्छा मिलेगा जी बिल्कुल जैसा कि कृषक भाइयों मैम ने बताया कि गहरी जुताई के जो फायदे वो है कि जमीन में गहरी जुताई से एक तो मिट्टी जाता है? गहरी जुताई में? गहरी जुताई में थोड़ा सा लागत बढ़ जाती है क्योंकि इसमें तो क्योंकि यहाँ पे हम हाँ गहराई जितनी गहराई पर जाएंगे उतना थोड़ा सा लागत उसमें बढ़ जाएगा कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और दोस्तों आज हम जान रहे हैं कृषि में होने वाले समय कार्य के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुचि गंगवार जी और साथ ही साथ सफल किसान श्री गुलाब सिंह मेवाड़ा जी आप दोनों का पुनः कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है लेते हैं गुलाब जी जैसे गहरी जुताई बहुत फ़ायदेमंद है जल संरक्षण की यदि हम बात करें सर मतलब इसमें आप कितना जल संरक्षण कर सकते हैं हाँ सर इसमें क्या है गहरी काई में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये सर कि जो किसान ने अब जो सर वो बखर चलाते हैं तो बखर वो चलाने से ज़मीन को एक मतलब पाठा टाइप बन जाता है उससे ज़मीन पानी भी नहीं पीती है और ऐसी एक परत जम जाती है अगर अपन तीन साल में गहरी काई करेंगे तो वो वो, वो परत टूट जाएगी तो उससे पानी भी अपनी ज़मीन बढ़िया पी लेगी और मट्टी टूट भी जाएगी और वो अभी मैम ने जो बताया वो ये है कि अगर सर तीन साल में अपन गहरी जुताई करते हैं तो फसल भी आपकी 10 से 20 परसेंट फसल भी बढ़ जाएगी और जो अपने फल वो है अपने क्या बोलते हैं जो घास खरपतवार उनकी भी मात्रा कम हो जाए कि अगर पल्टी करने से खत पर बाद दब जाते और नीचे वाले ऊपर आके धूप की रोशनी से नष्ट हो जाते और जो भी उसके अंदर सर अभी हमने खेत की करी थी वो जुताई मुनाफे ली थी सर उसको 10 साल 15 साल में जुताई करी वो गेरी तो सर उसमें अंडे कीड़े मकोड़े इतने निकले बेगजब और उसमें फसल भी पैदा नहीं होती थी तो किसान को गेरी जुताई करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है सबसे पहले ये सर उसमें लागत कम हो जाती है क्योंकि अगर किसान एक बार गेरी जुताई कर देगा तो उसको जो दो बकर फेरना पड़ता है वो बखर नहीं फेरना पड़ेगा डायरेक्ट रोटावेटर चला के वो बोनी कर देगा तो उसको दो बकर का पैसा बच जाएगा उसमें लागत कम हो जाती है अगर किसान गेरी जुताई करेगा तो उसमें आधी से ज़्यादा लागत कम हो जाती है। जी जैसा कि गुलाब जी ने बताया कि गहरी जुताई करने के तो वैसे कृषक भाइयों बहुत सारे फायदे हैं साथ में जल का जो संरक्षण है वो बढ़ता है साथ ही साथ हर पतवार भी उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं आइए मैम से जानते हैं मैम दो से तीन साल में जो गहरी जुताई करने का जो आ, समय है ये तो ये दो से तीन साल के बीच ही करना क्यों आवश्यक है क्या हम इसे पहले नहीं कर सकते नहीं इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि अगर हम हर साल गहरी जुताई करेंगे तो सबसे बड़ा इसका लॉस ये होता है कि मिट्टी की जो संरक्षण संरचना होती है वो खराब होने लगती है तो इसलिए इसको हमेशा तीन साल में ही कर सकते हैं हाँ अगर जिस भूमि में खरपतवार की समस्या ज़्यादा है उसको हम दूसरे साल में जरूर कर सकते हैं क्योंकि हम अगर दो साल लगातार करेंगे तो खरपतवार की समस्या काफी हद तक कम कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमें समस्या जो होती है वो खरपतवार से ही होती है तो अगर जहाँ तक पर संभव हो तीन साल में एक बार जरूर तीन बार साल में एक बार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे बनी रहेगी बात निकली है मैम खरपतवार की तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में आप हमारे कृषक भाइयों को बताइए खरपतवार नियंत्रण करना एक बहुत जितना हम कीट और रोग पे ध्यान देते हैं उससे ही ज़्यादा हमको जो वीट के ऊपर खरपतवार तो नियंत्रण पे ही ध्यान देना रहता है खरपतवार नियंत्रण या तो हम प्री इमरजेंस कोई हर्बिसाइड डाल दें अपने खेतों में या फिर पोस्ट इमर्जेंस। अगर हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड नहीं डाल पाते हैं तो हम पोस्ट इमरजेंसी पे जाएं और अगर हम केमिकल के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो हम फिर उसको मैनुअली जो है उसका निंदाई गुड़ाई करके हम उसको खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं पर इसको हटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जो है हमारे पौधे से हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं चाहे वो जगह के लिए कॉम्पटिशन हो चाहे वो सनलाइट के लिए कॉम्पटिशन हो चाहे वो पानी के लिए हो चाहे न्यूट्रेंट के लिए हो ये सब चीज़ें जो हम अपनी मेन फसल को देते हैं वो खरपतवार ले, ले लेता है और हमारी मेन फसल से जो खरपतवार ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं जी कृषक भाई मैम ने बहुत अच्छी बात बताइए कि जो खरपतवार है जो मेन न्यूट्रेंट है वो खरपतवार ले लेता है इसलिए उसका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है उसकी जरूर से जरूर आप उसका ध्यान रखिए और खतवार को जैविक तरीकों से भी आप नष्ट कर सकते हैं है। मैम जायद की फसलों की यदि हम बात करें तो जायद का टाइम भी है बहुत सारी बेलदार फसलें भी इस समय है वे कौन सी फसलें हैं जो इस समय हमें, हमें लेना चाहिए जिसमें लागत भी कम आए और हमको मुनाफा भी ज़्यादा मिले अभी जो जैसे अभी हमें बताया गया है कि बेलदार फसलें जैसे कद्दू वर्गीय हुआ हम बेल आ, कद्दू लगा सकते हैं लौकी लगा सकते हैं करेला लगा सकते हैं तुरई लगा सकते हैं इन फसलों से अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि मार्केट में आपको सब्जियां कम मिलेंगी आपको क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमारे फ्लावर नहीं बनते हैं और फ्लावर नहीं बनते हैं तो उसमें आपका फ्रूट सेट नहीं हो पाता मतलब गर्मियों का जैसे जैसे बढ़ेगा फ्लावर तो मैम फिर इसके लिए फिर हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है विशेष बातों का हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमें टेम्परेचर कोशिश करें क्योंकि ये एक एन्वायरमेंटल फैक्टर है इसको हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे पर इसमें हमें पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए आर्द्रता एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होता है आद्रता जो है आपका चालीस से सत्तर तक होना ही चाहिए आपके इसके बीच में ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए इसके अगर बीच में रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्लावर आपके जो ड्रॉप हो और क्योंकि इस समय मार्केट में जो है सब्जी का रेट गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो जिन किसान भाइयों का अच्छे से सब्जी का प्रोडक्शन हो गया पे बहुत अच्छा जी है वही पर से पे ये है कि हमें आद्रता नमी का बहुत द्यान 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 चाहिए आइए गुलाब जी से भी जान लेते हैं कि वे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर मेरे हिसाब से तो बेलदार सब्जी का बोल ही दिया था मैंने अभी बेलदार सब्जी किसान के लिए बहुत फायदा का सौदा है सबसे कम मतलब समय वाली फसल है और जो अभी मैम ने, ने बताया कि गर्मी में फिलावर गिर जाते हैं वो बहुत सही बात है क्योंकि अभी तापमान बहुत बहुत बड़ा हुआ है और जो अपन ज़्यादातर कीटनाशक और फर्टिलाइज़र डाल डाल के जो अपने सर वायु प्रदूषण और जो टे, टेम्परेचर बढ़ा है उससे कहीं भी किसानी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर ज़्यादा प्रकृति जैविक कृषि पे किसान आएगा तो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा सर अभी मेरा सात सात दिन का सेक्टर भी चल रहा है जी, वो महिला को मॉडल बनाने के लिए ताकि हमारी महिला कृषि में ज़्यादा भागीदारी रहे और ज़्यादातर हमारे इधर महिला ज़्यादा काम करती है मक कृषि के अंदर तो वही मेरा सर पार्ट चल रहा है हर गाँव में सात सात दिन का ताकि हमारी महिला जैसे अभी कद्दू वर्गी सब्जी हमारे क्षेत्र में करीबन ढाई सौ एकड़ में लगी है तो हमारी महिला कद्दू वर्ग फसल अच्छी पैदा भी कर लेती है उसको तोड़ने में हार्वेस्टिंग में सब में उस महिला को ज़्यादा दिक्कत नहीं जी आती बिल्कुल गुलाब जी ने बोला कि महिलाओं का तो बहुत ही ज़्यादा इसमें विशेष योगदान है और महिलाएं कृषि में बिल्कुल योगदान दे भी रही हैं आइए मैम से हम जानते हैं है। मैम जैसा कि महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ता जा रहा है इसमें आप क्या कहेंगे और महिलाओं को और कितना हमको सिखाने की ज़रूरत है इसके बारे में भी आप बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सत्तर प्रतिशत जो एग्रीकल्चर के काम होते हैं वो महिलाएं ही कर रही है चाहे वो सोइंग से लेके निंदाई गुड़ाई का पूरा काम महिलाएं करती हैं हार्वेस्टिंग में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है अब खेती के अलावा आजकल जो है फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा चलन चल रहा है फूड प्रोसेसिंग के थ्रू श्री अन्न बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम घर बैठे जो है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं महिलाओं को ताकि वो श्री अन्न जो जिसको हम रागी को तो कुटकी कहते हैं उससे जो है बिस्किट बना सके उससे हम नमकीन तरीक तरीके तरिक के बना सके पापड़ बना सके इसके अलावा मशरूम की खेती की तरफ उनको रुझान कर सकती कि मशरूम के घर में की खेती वो अपने एक कमरे में शुरू करके उसका भी उत्पादन कर सकती हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा हमें बाहर की चीज़ें भी नहीं चाहिए जो उनके घर में भूसा वगैरह अवेलेबल

पराली जलाने की आमतौर पर हमने देखा है कि कृषक भाई आप सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तो आमतौर पर हमने देखा कृषक भाई पराली खेत में ही जला देते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हाँ सर वैसे किसान पहले 100 परसेंट किसान पराली जलाते पर अब सर बहुत हुआ अब अस्सी परसेंट किसान पराली नहीं जलाते और एक तो गेरी ताई म करके भी पराली को, को नष्ट कर सकते और एक सर रोटा बेटर चला के भी पराली को नष्ट करते और जो मैम ने बोला सर जो वेस्टडी कम्पोजर है वेस्टडी जी कम्बोज़र भी डाल के अपन उसको ब्याली को नष्ट कर सकते पर थोड़ी उसमें दिक्कत आती सर के जमीन के अंदर नब्बे परसेंट नमी होना चाहिए जब वेस्टडी कम्पोज़र काम करेगा नहीं तो वो काम नहीं करेगा इसलिए सर वो बात छोड़ के अगर किसान सबसे पहले तो जैसे सर हमारे इधर पहले जो गेहूँ की पराली लेते सबसे पहले किसान उसका भूसा बना लेता है अगर किसान भूसा बनाएगा तो उसको डेयरी गाय भैंस के लिए फायदा हो जाएगा और जो सर वो वो बचा हुआ है कुछ में रोटा बेटा चल हुआ है कुछ में गेरी जुताई करने से जो अपना जो भी घास है वो वो, वो है। पूरी की पूरी वो, वो पूरी पलट जाएगी आइए तो तो मैम से, से भी जान लेते हैं मैम परियाली जलाने के सबसे बड़े नुकसान क्या है और खासतौर तो पर यदि हम मिट्टी की बात करें खेत की मिट्टी की बात तो उसको कितना नुकसान होता है परियाली जलाने से पराली जलाना अभी जैसे गुलाब सिंह जी ने कहा है कि बिल्कुल भी विधि नहीं है अच्छी विधि नहीं है पहले किसानों में जागरूकता नहीं थी अब काफ़ी किसान जो है जागरूक हो गए हैं पराली जलान को लेकर पराली जलाने से सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे जो मिट्टी रहती है उसमें कई तरह के मित्र कीट होते हैं केचुए होते हैं लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे तौर पे क्या करते हैं कि हमारी क्रॉप को जो है हानि लाभ जाते हैं तो इस अगर हमारी मिट्टी का तापमान बढ़ेगा तो ये हमारे सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएंगे और हमारी जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी दूसरी बात यह होती है जो फसल अवशेष होते हैं इसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम पूरे प्राइमरी जो एलिमेंट जो है इसमें होते हैं अगर ये जल जाएंगे तो हमारी मिट्टी को ये प्राप्त नहीं हो पाएंगे जिसका तीस और पराली जलाने का सबसे तीसरा एक मुख्य कारण ये होता है कि जब पराली जलाते हैं तो कई तरह की जो हानिकारक गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मीथेन होती, होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये कहीं ना कहीं जो हमारे वातावरण में मिल जाती है और तापमान को बढ़ा देती है और तापमान बढ़ना मतलब एक विश्व स्तरीय समस्या को जन्म देना होता है और चौथा इसका मेन कारण ये होता है कि जब हम पराली जलाते हैं सबसे ज़्यादा जो है धुएं से परेशानी होती है जो ये धुआं निकलता है और ये सांस के द्वारा हमारे अंदर ही जाता है इससे फेफड़ों संबंधी कई तरह की बीमारियां होती है कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं और जिन व्यक्तियों को दमा और अस्थमा जैसी बीमारियाँ होती है उनके लिए तो ये धुआँ बहुत ही ज़्यादा घातक होता है जी बिल्कुल जैसा मैम ने कहा कि परियाली जलाने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो खेत की मिट्टी है वो गर्म होने से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव जीव है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रदूषण जो हो रहा है वो हानिकारक गैसेस जो निकल रही हैं वो अलग नुकसान पहुंचाती है तो परियाली ना जलाने का प्रयास कीजिए अंत में हम मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अः हमारे जो आज का जो समग्र खेती की यदि हम बात करें तो समग्र खेती कितनी आवश्यक और कितनी लाभकारी भी है इसके बारे में बताइए समग्र खेती की बात करें तो ये तो बहुत ही अच्छी एक खेती है समग्र समग्र खेती में सिर्फ हम फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते समग्र खेती का मतलब ये है कि हम अनाज वाली फसलें भी लगाएं दलहनी फसलें भी लगाएं तिलहनी फसलें भी लगाएं सब्जियां भी लगाएं पोल्ट्री फार्म का भी हम इस्तेमाल करें इसके बाद फिशरीज भी करें हम तो ये सारे जितने कंपोनेंट होते हैं वो समग्र खेती के अंतर्गत आते हैं इसमें क्या होता है कि अगर हमारी कोई एक फसल हमारी अगर ख़राब भी हो जाती है तो किसानों को उसमें नुकसान ना हो वो किसी दूसरे जो हम दूसरा जो उसने इनपुट लगा के रखा है दूसरा उसका तो उससे वो पूरा उसका इनपुट ले ले और इसमें क्या होता है कि हम एक किसी चीज़ से इनपुट लेते हैं और उसको हम दूसरा आउटपुट में लगा देते हैं तो समग्र खेती से क्या होता है कि अगर एक तो किसानों का जो परिवार होता है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती है बाहर की जरूरत नहीं रहती है और पूरा के पूरा हमें जो इनकम जो होता है इनकम हमारी ज़्यादा जनरेट होती है हमको तो इससे कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति जो किसानों की जी है। बहुत अच्छी बात बताई कृषक भाई मैम ने कि सबसे पहली चीज़ तो ये एक फैमिली बिजनेस इसमें जनरेट हो जाता है और एक खेती से और साथ में यदि बागवानी और पशुपालन भी आप ले रहे हैं तो एक दूसरे का सहारे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं मैम आप हमारे से प्रोग्राम में आए और आपने हमारे कृषक भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साथ ही साथ गुलाब सिंह जी आपने भी अपने अनुभव हमारे कृषक भाइयों के साथ साझा किए आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तो कृषक भाइयों कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था हम कृषि संबंधी फिर नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार